सो गाइस, अगर अभी YouTube पे नए नए क्रिएटर आए हैं और आप चाहते हैं कि Instagram पे भाई एक अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाएं, तो भाई आपने सही वीडियो पे क्लिक किया यार, बिल्कुल सही वीडियो है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मैं किस तरह के अपने थंबनेल बनाता हूं और आपको किस तरह बनाने चाहिए। और एक चीज मैं आपको एक बात पहले ही एक्सप्लेन कर लेता हूँ भाई, कभी भी टेक चैनल के थंबनेल्स अलग बनते हैं और ब्लॉगिंग थंबनेल्स अलग बनते हैं और फनी वीडियोज के थंबनेल अलग बन जाते हैं। और जिस कैटेगरी में मैं हूँ टेक, आपको वीडियो तक पूरा एंड तक देखना है तभी आपको समझ आएगा। और आप में व्यूज नहीं आए ना भाई तब कहना है यार, आपका इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट कभी भी भाई 10 या 15 से नीचे कभी आने नहीं वाला। तो क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि मैं आपको थंबनेल बनाना सिखा रहा हूँ अट्रैक्टिव। तो भाई कई बार क्या होता है इंस्टाग्राम पे थंबनेल बनाने के लिए हमें बैकग्राउंड मैच करना पड़ता है फॉन्ट के साथ। कई लोग क्या होते हैं ठीक है, वो येलो कलर का बैकग्राउंड ले लेते हैं और उसी पे येलो कलर का टेक्स्ट लिख सकते हैं और उस पर शेडो जोड़ लेते हैं, वो कुछ तरह अट्रैक्टिव नहीं हो। वो भाई ऐसे ही थंबनेल है, जो मैं बताऊंगा उसे बोलते हैं अट्रैक्टिव एंड HD थंबनेल। मतलब वो थंबनेल अगर लोगों तक तो पहुंचेगा तो 100% बात है वो भाई इस आपकी वीडियो पर जरूर क्लिक करेगा, बात चाहे उसको वीडियो पसंद आए या ना आए, पर वो वीडियो को क्लिक जरूर करेगा। अब वो क्यों करेगा? मैं इंस्टाग्राम पिक्सल लैब चलाता हूँ और कई लोग होंगे अभी भी जो वीडियो देख रहे हैं वो भी पिक्सल लैब का यूज करते होंगे और पिक्सल लैब पर उनको पता नहीं है कि हम कैसे अपना थंबनेल बना सकते हैं। आपने अभी तक ओनली थंबनेल वाले सेक्शन में ओनली फॉन्ट बैकग्राउंड वाला कलर देखा होगा और मुझे पता है कई लोग इसका यूज़ ही करते होंगे, बट मैं आपको वो सिर्फ ऐसे सेटिंग बताऊंगा ना भाई, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे खुद DM करोगे भाई थैंक यू यार, तो आपको थैंक यू मैं यहीं से करूंगा। आप वीडियो को लाइक ही कर दो ओनली और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब विदाउट वेस्ट एनी टाइम। पर पिक्सल ऐप डाउनलोड करना है, ये आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा ठीक है। तो गाइस हम चलेंगे यहाँ से अपने पिक्सल ऐप पे। तो गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आएगा। तो गाइस आपको जाना है इस वाले सेक्शन पे, आप एरो के हिसाब से समझ लेना ठीक है। तो गाइस आपको इस सेक्शन पे जाना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन आएगा इमेज साइज़, तो यहाँ पर आपको इमेज साइज़ पे क्लिक करके, तो गाइस अब आपको इसको यहाँ पर करना है यूट्यूब थंबनेल। तो गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर होगा, तो गाइस आपको इसको यहाँ से डिलीट कर लेना है। और गाइस अब आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन से यहाँ से फ्रॉम गैलरी से लेकर यहाँ से आपको गाइस एक बैकग्राउंड ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास बैकग्राउंड है। तो गाइस इसको आप यहाँ पर ले सकते हैं और आपको इसको इससे ढक लेना है। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस आपको यहाँ से इसको पिन कर लेना है ठीक है, अब ये हिलेगा नहीं। तो गाइस अब आपको फिर से यहाँ पर ऊपर प्लस वाले आइकन पर जाना है। और इसका मैं कुछ इस तरह का बॉर्डर यहाँ पर करूँगा ठीक है, स्ट्रोक पे जाके इसके आउटलाइन डाल दूँगा। तो गाइज ये देख सकते हैं आप कुछ कुछ इस तरह का लगेगा। तो गाइज अब यहाँ पर गाइज आपको आएगा शेप, तो शेप वाले सेक्शन पे गाइज आपको कुछ इस तरह का कर लेना है और यहाँ से इसको रेडियस और आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है। आपको यहाँ पर ए वाले सेक्शन पे जाके आपको टेक्स्ट वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, अगर ओनली इंस्टाग्राम ही लिखूँगा इंस्टाग्राम ठीक है। तो गाइज अब आपको यहाँ से जाना है फॉन्ट वाले सेक्शन पे। तो गाइज यहाँ से मैं इस वाले फॉन्ट को ज़्यादा यूज़ करता हूँ और अब जाऊँगा इस वाले सेक्शन पे, यहाँ से इसको कर लूँगा ऐसे और अब इसको स्ट्रोक बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। इसका स्ट्रोक करने के बाद दोस्तों आप देखते हैं कुछ इस तरह का ये मेरा थंबनेल बनता है और ऐसे में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है लोगों को। तो गाइस मैं कुछ इस तरह का अपना थंबनेल बनाता हूँ और यहाँ से गाइस थंबनेल बना के गाइस मैं पिक्सआर्ट पे जाके ठीक है, जैसे पिक्सआर्ट पे जाके यहाँ पर पिक्सआर्ट। तो गाइस कुछ इस तरह का थंबनेल बनाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर जाता हूँ स्टिकर वाले सेक्शन पे और स्टिकर वाले सेक्शन में गाइज मैं यहाँ से सर्च करता हूँ इंस्टाग्राम लोगो, अगर मैं अपनी वीडियो में लोगो डालना चाहता हूँ मैं इस वाले लोगो को यहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो गाइज अब आप इसको यहाँ पर अपने हिसाब से कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो गाइज कुछ इस तरह का मेरा थंबनेल बनता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी, अगर लगी होगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब, आपको आगे भी इस तरह के इंस्टाग्राम रिलेटेड वीडियोज़ चैनल पर मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं, बाय बाय।